रविवार को पश्चिम बंगाल का मालदा नफरत की आग में धधकने लगा। हजारों मुसलमान एक साथ सड़कों पर उतर आए। धार्मिक उन्माद की शिकार भीड़ ने जगह जगह आग लगा दी। दर्जनों वाहन जला डाले। पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया। पुलिस वालों को पीटा, गोलियां चलाई। इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन देश के तमाम न्यूज चैनल्स और बुद्धिजीवी वर्ग में सन्नाटा पसरा रहा। 60,000 लोग पूरी तरह से पुलिस बल के ऊपर टूट पड़े। यहाँ पर आप निशान देख सकते हैं, पूरी तरह से कैसे जलाए गए थे। ये उन दिनों के निशान है, रविवार के वक्त था जब यहाँ पर तोड़फोड़ मचाया गया और उसके साथ साथ कई सारे गाड़ी जो है यहाँ पर जला दिए गए थे। उस दिन कितने मुसलमान सड़कों पर उतरे इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन उस घटना के चश्मदीदों के मुताबिक वो भीड़ नहीं बल्कि गुस्से में भरा बेकाबू जनसैलाब था। तो हम लोग यहाँ पर गांव में 100-200 आदमी होगा, हम 100-200 आदमी 1,00,000 आदमी के साथ तो नहीं लड़ा, कभी नहीं सोचा कि ऐसा होगा। आज क्यों हुआ हम लोग को मालूम नहीं है, बहुत आतंक से बीता। हम जब इसमें जो घटना घटा था उस टाइम घर के बाहर थे कुछ काम के लिए, तो वहाँ से जब हम आए, हमारा बीबी फोन किया था, तो आए यहाँ पर बोला कि हमारा बाइक जला दिया, हमारा बेटी को मार दिया। तो हमारा दो बेटी यहाँ पर था बैठ करके, अपने कोई कहा कुछ काम खेल कूद कर रहा था। यहाँ पर बाइक हम रखे थे, हर दिन रखते हैं, तो यहाँ पर कुछ लड़का आकर के बाइक तोड़ना अचानक शुरू कर दिया। बहुत लोग थे, बहुत मैंने गिनती के बाहर, इतने लोग थे ना जो गिना नहीं जा सकता था। मालदा में जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था, कहीं नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो भी इस पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है उसमें वो बड़ा शर्मनाक तरीके से ये एकदम क्लियर कर रही है कि सामने असेंबली पोल्स हैं, इसलिए हम एक पर्टिकुलर क्राउड के खिलाफ, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के खिलाफ हम किसी भी तरीके का कार्रवाई नहीं करेंगे।